बिजनौर की पटाखा फैक्ट्री में आज सुबह तड़के झाड़ू देने के दौरान अचानक चिंगारी से आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखी आतिशबाजी की सामान व बारूद में बुरी तरह विस्फोट हो गया। काम कर रहे कई मजदूर आग में बुरी तरह झुलस गए, जबकि एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आनन फानन में पुलिस व दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, साथ ही झुलसे मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस व दमकल विभाग की टीम बारीकी से मानकों की जांच पड़ताल में जुट गई है। पटाखा फैक्ट्री का साल 2028 तक वैध रजिस्ट्रेशन हुआ है, फिर भी मानक में कहीं चूक तो नहीं हुई है, उसकी भी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। हल्दौर में गंगोरा जट गांव है, वहाँ एक आतिशबाजी बनाने की फैक्ट्री है, इसका लाइसेंस भी जारी हुआ है, 2028 तक है ये भी। इसमें आज सुबह आकस्मिक रूप से आग लगी, उसकी सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पहुंची। जो घायल थे उनको परिजन तब तक ले गए थे, एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई है। जो एक प्रत्यक्ष दर्शी है उस वक्त जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो अंदर लोग थे वो झाड़ू वगैरह लगा रहे थे, उसी दौरान किसी घर्षण वगैरह से कोई चिंगारी हुई, जिससे ये घटना हुई है। आग पे काबू पा लिया गया है और अभी अग्रिम कार्रवाई कराई जा रही है। इसके मानक को लेकर के सर, इसमें मानक को लेकर इसकी जांच कराई जाएगी, CFO भी यहाँ मौजूद है, इसकी पूरी जांच कराई जाएगी और उसी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जिनकी इंजरी हुई है उनको क्या मुआवजा मिलेगा? ये आगे की बात है, अभी पहले एक बार उनका उपचार हो जाए, सही हो जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई करें। अच्छा सर, जो मजदूर काम करते हैं रजिस्टर होते हैं या ऐसे ही होते हैं, पंजीकृत होते हैं? ये भी सब जांच का विषय है, पूरी जांच की जाएगी कि क्या था, मजदूर किस तरह से यहाँ काम कर रहे थे, किस तरह से आग लगी। ठीक है, ओके। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।